राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, MPCG 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं नाज कुरैशी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला सिंगरौली की। दिनांक 17/6/2020, आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। अमरोली रिलायंस कोल माइंस प्रबंधक की लापरवाही से ओबी डंपिंग पहाड़ और उसका डैम ज्यादा बारिश होने के कारण छूट गया और विस्थापितों के घर खेत फसल में घुस गया। ओबी डंपिंग का मालवा बाल बाल बचे घर में रहने वाले लोग। मध्य प्रदेश सिंगरौली अमरोली रिलायंस कोल माइन में बना ओबी डंपिंग का पहाड़, नीचे बना नाला जो आज दिनांक 17/6/2020 को अत्यधिक बारिश होने के कारण भर कर फूट गया और वहीं 100 मीटर आगे कुछ स्थापित है जिनके फसल और घर में घुस गया। ओबी डंपिंग का मालवा, फसल खेती सब नष्ट हो गए हैं। बाल बाल बचे विस्थापित घर में रहने वाले, उनके दिलों में डर दहशत बना हुआ है कि ऐसे ही बारिश होती रही तो कहीं ओबी डंपिंग से बना पहाड़ भसक गया तो घर और फसल खेती बाड़ी सब नष्ट हो जाएगी और हो सकता है बड़ा हादसा। अमरोरी ग्राम स्थापित जो वहां रहकर अपना जीवन यापन खेती बाड़ी कर गुजारा कर रहे हैं, कुछ दिन पहले माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक जी को इस रिलायंस ओबी डंपिंग के नाले के बारे में जानकारी एक एप्लीकेशन के माध्यम से दिए थे सभी और बोले थे कि अगर कहीं नाला फूट गया तो हो सकता है फसल घर खेती बाड़ी नष्ट। और आज बारिश में नाला फूट गया और हो गया फसल नष्ट और उनके घर में घुस गया पानी और सभी वहां के विस्थापित प्रशासन से अपनी जान माल की लगाए गुहार। अगर समय रहते अमरोली रिलायंस कोल माइंस के प्रबंधक ने विस्थापितों को वहां से कहीं सुरक्षित जगह पर नहीं भेजे तो ऐसी ही बारिश होता रहा तो ओवी डंपिंग पहाड़ भसकने से हो सकता है बड़ा हादसा।